अर्जुन ने भगवान से कहा था कि मैं नहीं जानता कि आपने प्रतिज्ञा कर ली है कि आप युद्ध में भाग नहीं लेंगे, आप अस्त्र नहीं उठाएंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे, आप अस्त्र शस्त्र उठाकर किसी के प्राण नहीं लेंगे, यह आपकी प्रतिज्ञा है। पर क्या रथ न चलाएं, यह भी प्रतिज्ञा है आपकी? रथ तो चला सकते हैं ना मेरा, आप युद्ध का आनंद लेना। और भगवान ने कहा मैं ये काम करूंगा, मैं तेरी गाड़ी चलाऊंगा, तेरी डोर मेरे हाथ में रहेगी, मेरे हाथ में रहेगी तेरे जीवन की डोर। वो दरअसल में वो बलगाएं नहीं है, अश्वबलगाएं, वो बलगाम या वो लगाम घोड़ों की खाली कृष्ण के हाथ में नहीं है, वो पूरे जीवन की बागडोर है जो भगवान को सौंप कर वो बैठा है, पूरे जीवन की बागडोर। सखेति मत्वा प्रसवंग यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, मैं तो प्रमाद में तुझे कभी यादव कहता हूं, कभी यदु कहता हूं, कभी सखा कहता हूं और कभी साला। भाई मेरी पत्नी का भाई है तू, तो संबंध तो मुझे याद ही है कि लगता क्या है, सुभद्रा का भाई तू पता है ना मुझे क्या आप है कौन, मेरी भारिया के भाई, मेरी भारिया आपकी भगनी, कोई रिश्ता तो है ना। पर ये सारे के सारे झूठे रिश्ते हैं, एक ही रिश्ता सच्चा है कि तू परमात्मा है, मुझे ये याद रहे, मुझे ये याद रहे, ये संबंध मुझे याद रहे, मैं उसे भूल ना जाऊं। मैं भूल जाता हूं कभी कभी, इसे ठीक दिशा पकड़े, ठीक दिशा। आत्मदेव ने आग्रह पूर्वक जिद से और संतान उत्पत्ति के लिए फल ले लिया, क्योंकि हम रहना चाहते हैं, हम तो नहीं रहेंगे, अपने संतानों में रहना चाहते हैं हम, अपने स्मारकों में, अपने भवन में, अपनी गाथाओं को जीवंत रखना चाहते हैं। तो संतानहीन प्राणी संत के पास जाकर जीवन और जीवन का विस्तार मांगता है, जीवन को विस्तृत चाहता है, अंतहीन चाहता है। तस्याग्रह समालोक्यम फल मेकम से दत्तवान, तस्याग्रह, साधु ने देखा बड़ा हट करके बैठा है, लगभग चरण ही पकड़ लिए, शीश ही झुकाने लगा और कहने लगा कि मृषा न होए देव ऋषि भाखा। साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोला वृथा न जाए, आप सन्यासी हैं, सन्यासियों की जिह्वा पर प्राय सरस्वती रहती है, तो आप बोल दीजिए ना कि मुझे संतान हो जाएगी, मेरा काम बन जाएगा। संत थोड़े सावधान हो गए, संत ने कहा संतान से बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, बड़ा क्लेश है, बड़ा अपयश है, बड़ा अपमान है, तिरस्कार है, बड़ा दुख होगा, संतानों के दुख होगा, तेरे भाग्य में संतान का दुख लिखा है। तो आत्मदेव थोड़ा मुस्कुराने भी लगा, तो संत ने कहा अभी बेटा हुआ नहीं है, तू पहले ही मुस्कुरा रहा है। उसने कहा एक बात तो प्रकट हो ही गई, आपने अभी कहा है कि संतान से दुख होगा, इसका अर्थ है संतान होगी। आप कह रहे हैं मेरे भाग्य में दुख लिखा है, संतति कष्ट है, तो एक बात तो प्रकट हो ही गई कि मेरे भाग्य में संतति कष्ट है, इसका अर्थ संतान होगी, कष्ट बाद में देखा जाएगा। संत की प्रदक्षिणा की, प्रणाम किया और कहा गुरुदेव फिर ऐसे संतान दीजिए जो यशस्वी हो, तेजस्वी हो, प्रज्ञावान हो, आत्मवान हो, विचारवान हो, ज्ञानवान हो, और मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, पूर्ण नाम के नरक से जो त्राण दे संतान उसे कहते हैं, संतति से त्राण मिलता है, संतति हमें जीते जी पराजित कर देती है, अपने शुभ कर्मों से, सत्कर्मों से, अपनी श्रेष्ठता से हमें पराभूत कर देती है, और एक बड़ा सुख है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है संसारियों के जीवन में, नहीं, यह सन्यासियों के जीवन का भी बड़ा सुख है, जब हम अपनी संतानों की श्रेष्ठता से पराजित हो जाएं, जब लोग हमें हमारी संतानों से पहचाने कि ये जो जा रहे हैं इनका बेटा कलेक्टर है, इनका बेटा महान पद पर है। कभी कभी पिता माता पिता अपनी संतति से पराजित होना चाहते,
हम कहां चाहते हैं कि वो ऐसे ही बने रहें, वो श्रेष्ठताएं अर्थ की अधिकता उनके पास हो, वो फले फूले। तो हम अपने अपनी संतानों से पराजित होना चाहते हैं। और एक जगह लिखा है, गुरु उस दिन हर्षित और आह्लादित होता है जब उसका शिष्य अपने गुरु को पराजित कर दे ज्ञान में, विचार में, चरित्र में।